सुंदरगढ़ जिला एक आदिवासी बहुल एरिया है, अंग्रेज में सेटल एरिया जो कहते हैं। आज इस सेटल एरिया में सुंदरगढ़ आदिवासी एरिया में संजय सिंह जी पहली बार पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी और गर्व की बात है। हम सब मैं सबको अनुरोध करता हूँ, एक बार साफ तली बजा के उनको सब स्वागत करें, सब बोले जोहार। मंच में उपस्थित हेमचंद जगीर जी, ओडिशा के प्रभारी निशिकांत महापात्र जी, आम आदमी पार्टी के सेक्रेटरी नंदलाल जी, विनय तिवारी जी, आनंद समल जी, भवानी साहू जी और अन्य साथी लोग हैं उपस्थित हैं। सबको लाल नाम लेने से बहुत टाइम लग जाएगा। राउरकेला में पहली बार इस तरह के भीड़ इकट्ठा होते देखते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और भी भीड़ होती, आज बड़ी दुख की बात है कि किसने कहा दिया कि भारत बंद है। राउरकेला जो बस चलना बंद हो गया, हमारे सुंदरगढ़, बड़ेगढ़, राजापुर से बहुत साथी लोग आ नहीं पाए। मैं लगता अगर बस चलता तो शायद पूरा मैदान भर जाता। बड़ी अच्छी बात है, पहली बार राउरकेला में इतना भीड़ होते हुए भी हम खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं सुंदरगढ़ का इंचार्ज होते हुए मैं आप लोगों से पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना भीड़ और इकट्ठा होकर, इतना धूप में भी आप लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं। आदिवासी भाई बहन मन के मैं अनुरोध कर खोजा था, राहुल एवं इतना दूर से आली और हमारी आम आदमी पार्टी की मीटिंग के सफल बनाए के लगे जमा हुई, एक दो बात कहे के लगे ना सुने के लगे। संजय सिंह पहली बार हमारे आदिवासी इलाका में आए, आई हमरे भी मन से मांग करी ला, जैसे कि विनय बाबू कहा था है कि हमरे के नवीन पटनायक कह रहा है कि बीच पक्का घर दे दो कह के। बात यह लिखे आदिवासी मन के भी बहुत समस्या है, दौरे मन के हमारे बताया देखो जिला सुंदरगढ़ ऐसे जगह ही के जहाँ की आदिवासी कल्याण मंत्री वहाँ बहुत बहुत में रहे हैं सुंदरगढ़ से रहना। एक खान के भी आदिवासी कल्याण मंत्री है सुंदरगढ़ जिला से ही आए कि नहीं कहे। भारत देश के आदिवासी कल्याण मंत्री कहाँ से आए, सुंदरगढ़ से ही है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सुंदरगढ़ के आदिवासियों का कल्याण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। एक जमाना तो ऐसा भी था कि केंद्र में भी आदिवासी कल्याण मंत्री और भुवनेश्वर में भी आदिवासी कल्याण मंत्री, दो दो कल्याण मंत्री आदिवासी कल्याण मंत्री यहाँ आते थे, लेकिन आदिवासी का कल्याण होने वाला नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब अंग्रेज लोग थे, हम लोग इतिहास पढ़ते, मैं तो अंग्रेजों को देखा नहीं, जब हम लोग अंग्रेजों को पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते हैं, तो अंग्रेज जो लाए थे हमारे भारत देश को गुलामी बनाया, मारपीट किया, बहुत शोषण किया। तो हमारे पूर्वज लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया और ये मान के चले कि भारत देश में हम लोग सुख और चैन कर जिंदगी गुजर सके। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अभी भाजपा का सरकार और ओडिशा का बीजेपी का सरकार में आप लोग का खुश है क्या? नहीं है ना। तो अगले 2019 में क्या करना चाहिए? उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, समय का वक्त काम है, इसलिए हम लोग से यही अनुरोध करता हूँ कि 2019 में हम लोग को भाजपा सरकार और बीजेपी सरकार उखाड़ के फेंकना है, आम आदमी का सरकार आपको यहाँ पर लेके आना है। धन्यवाद।